पैदाइश और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कुछ जानेंगे। शुरू करते हैं। हक सुब्हानहू तआला, अल्लाह ताला ने दो सूरतें दोज़ख के अंदर पैदा की, एक सूरत शेर की, दूसरी गर्क की। ये दोनों सूरतें कुदरत इलाही से दोज़ख से जीन में जाकर बाहम मिल गईं। उससे अज़ाज़ील पैदा हुआ, इसने वहाँ हज़ार बरस तक खुदाए ताला को सजदा किया। फिर हर तबका ज़मीन पर हज़ार साल इबादत करके ज़मीन दुनिया पर आया। हक सुब्हानहू तआला ने इसको दो बाजू ज़बर जद सब्ज़ के अनायत किए, तब वहाँ से उड़कर आसमान अव्वल पर गया। वहाँ हज़ार बरस खुदाए ताला की को सजदा किया, इसका नाम वहाँ पर खाशे हुआ। और वहाँ से दूसरे आसमान पर गया, फिर हज़ार साल खुदाए ताला को सजदा किया, वहाँ के रहने वालों ने इसका नाम आबद रखा। फिर तीसरे आसमान पर जाकर हज़ार साल रब्बुल आलमीन की इबादत की, वहाँ नाम साले हुआ। और चौथे आसमान पर भी हज़ार साल इबादत की, इसको पुकारा गया वहाँ वली। फिर पांचवें आसमान पर हज़ार साल सजदा किया, फिर इसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। उसके बाद छठे आसमान पर जा पहुँचा, वहाँ भी हज़ार साल इबादत की। फिर सातवें आसमान पर पहुँचा, वहाँ हज़ार साल रब्बुल आलमीन को सजदा किया। हसले कराम, एक कफ़े दस्त की बराबर जगह ज़मीन व आसमान में बाकी ना रही कि उसने अपना सर ना झुकाया। इसके बाद अर्शे मौला पर जाकर 6000 बरस तक हक ताला की परस्तिश करके एक मकाम पर सर सजदे से उठाकर जनाबे बारी ताला में अर्ज़ की, खुदाया मुझे लोहे महफूज पर फजलो करम से अपने उठा ले के कुदरत तेरी देखूं और तेरी इबादत ज़्यादा करूं। अल्लाह का हुक्म हुआ इसराफील अलैहिस्सलाम पर के उसे उठा ले। जब वो लोहे महफूज पर गया, नज़र इसकी नोश्ते पर जा पड़ी। इसमें लिखा था, बंदा खुदा 6 लाख बरस तक अपने खालिक की इबादत करेगा और एक सजदा खुदा का ना करेगा तो खुदाए ताला 6 लाख बरस की इबादत इसकी मिटा कर सब मखलूकात में नाम इसका अबलीस मद्दूद रखेगा। अज़ाज़ील इसको पढ़कर वहीं 6 लाख बरस तक खड़ा होकर रोया। जनाबे बारी ताला से आवाज़ आई कि ऐ अज़ाज़ील, जो बंदा मेरी अतात ना करे और हुक्म बजा ना लावे, सजा इसकी क्या है? अज़ाज़ील ने कहा, खुदावंद, जो शख्स हुक्म अपने खुदावंद का ना माने, सजा इसकी लानत है। फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, तू इसको लिख रख। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रवायत की है कि अज़ाज़ील के मर्दूद होने से पहले 12000 बरस के ये वाक़या हुआ था। अज़ाज़ील ने कहा, तर्जमा, लानत अल्लाह की उस पर जो अतात ना करे। अल्लाह की तब हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील बहशत में कई हज़ार साल हज़ीना वार बहशत कार रहे और एक दिन उस जहां का इस जहां के हज़ार साल के बराबर है। बस बहशत में एक मंबर नूर का रखवा कर हज़ार बरस तक दरस व तदरीस और वाज़ नसीहत करता रहा। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल और जमी मलाइका उस मिंबर के नीचे बैठकर वाज सुना करते थे। एक रोज़ फरिश्ते सब आपस में बातें करते थे कि अगर हम लोगों से कोई गुनाह सादर हो जावे तो अज़ाज़ील को शफी करेंगे ताकि खुदाए ताला हमारा गुनाह माफ़ करे। एक रोज़ नज़र फरिश्तों की नज़र उस नोश्ते पर लोहे महफूज के जा पड़ी। इसे देख कर सब रोने और सर पीटने लगे। तब वो कहने लगा कि आज तुम लोगों को क्या हुआ है जो रोते हो और सर को दे दे मारते हो? उन्होंने कहा, लोहे महफूज पर लिखा है कि हम में से एक फरिश्ता माजूल और मर्दूद होगा। इस बात को सुनकर अज़ाज़ील कहने लगा कि मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि उसे वो मुझे नसीब करे। सब को इस बात को सुनकर खामोश हो रहे। और एक दिन अज़ाज़ील ने जनाबे बारी ताला में अर्ज़ की, या इलाही, जिन्होंने पर्दाए ज़मीन में आपस में कुछ तो खून व फसाद बर्पा किया है, मुझको उन्हों पर सिपा सरार करके भेज तो जाकर उन सब को मार डालूँ। अल्लाह ने कबूल फरमाया तो अज़ाज़ील 4000 फरिश्तों को अपने साथ लेकर ज़मीन पर आया, किसी को कत्ल और किसी को कोकाफ में डालकर रुए ज़मीन को मफसदों से पाक किया। इसके बाद दरगाह इलाही से खताब आया कि ऐ मलाइका,
जमीन पर मैं एक खलीफा बनाऊंगा, चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों को मुझको बनाना है जमीन में एक नायब, बोले क्या तू रखेगा इसमें इस शख्स को जो फसाद और खूनरेजी करे, और हम जिक्र करते हैं तेरी खूबियां और याद करते हैं तेरी पाक जात को, कहा मुझको मालूम है जो तुम नहीं जानते। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मशते खाक जमीन पर से लाओ। बहुकमे इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुलंदी आसमान की फौरन उस जमीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, चाहा कि एक मशत खाक लें। इस वक्त जमीन ने इनको कसम दी, ए जिब्राइल, खुदा मुझसे खाक खुदाया खुदाया बराए खुदाया मुझसे खाक मत ले, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत आसी और गुनाहगार होगी और मस्तजोबे अजाब होगी। मैं मस्कीन के खाक पाऊँ ताकि तहम्मल अजाब खुदा की नहीं रखती। इस बात का सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खाक से बाज आए, गर्ज इसी तरह जिब्राइल फिर गए और मिकाइल और इसराफील से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इसराइल को भेजा, उनको जमीन ने मना किया, उन्होंने ना माना और कहा कि तू जिसकी कसम देती है मैं इसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी ना करूँगा, तुझको ले ही जाऊंगा। बस इसराइल ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी खाक रुए जमीन से लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज की, खुदावंद तू दाना वो बीना है, मैंने ये हाजिर किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इसराइल, मैं इस खाक से जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और इसकी जान कब्ज करने के लिए तुझ ही को मुकर्रर करूंगा। तब इसराइल ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, ऐ इसराइल, तू गम मत कर, मैं खालिक मखलूकात का हूँ, हर एक की मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब तुझको दुश्मन ना जानेगा, किसी को दर्द में मुबतला करूंगा और किसी को बुखार में और किसी को पानी में गर्क करूंगा। हुक्मे इलाही से फरिश्तों ने वो मशते खाक माबैन ताइफ और मक्का के रख दी। पास बाराने रहमत का आमद हुई, तब 2 बरस में वो खाक गुल हुई, यानी पानी में मिली हुई गीली मिट्टी जैसे कीचड़, और 4वें बरस अलसाल हुई, यानी खुश्क और कच्ची मिट्टी जिस पर उंगली से खन खन कर आवाज आए, और 6वें बरस में फखार यानी खुश्क और पक्की मिट्टी जैसे ठीकरी हुई, और 8वें साल में आदम की सूरत में बनी। तो एक दिन इबलीस 70,000 फरिश्तों को अपने साथ लेकर आदम के पास आया, देखो तो कालब आदम का हाक पर पड़ा हुआ है। इसने बचश्मे हकारत इसकी तरफ नजर की, और एक दिन फरिश्तों ने इसराइल को कहा कि इस हाक से खलीफा खुदा पैदा होगा। वो बोला, सच है, मगर अल्लाह ताला इस सूरत को मेरा ताबेदार कर दे तो मैं इसको हलाक करूँगा, और मुझे इसका ताबेदार करेगा तो मैं इसकी ताबेदारी ना करूँगा। मादल के साथ इसराइल मैंने पढ़ा है, लेकिन उधर अजाजील है, इन लफ्ज में से गलती से पढ़ने हो गया है, मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। एक दिन फरिश्तों ने अजाजील को कहा कि इस हाथ से खलीफा खुदा होगा। वो बोला, सच है, मगर अल्लाह ताला इस सूरत को मेरा ताबेदार कर दे तो मैं उसको हलाक करूँगा, और मुझे इसका ताबेदार करेगा तो मैं इसकी ताबेदारी ना करूँगा। और अब्दुल्ला बिन ने बात से रवायत है कि एक दिन इबलीस कालब में आदम के दाखिल होकर नाफ तक जा पहुंचा, बसबब गर्मी आतिश के वहां से निकल आया, और इसके सबब हसदो बुगज और दुश्मनी उनसे ज्यादा हुई, और थूक मुंह का अपने उनके कालब पर डालकर चला गया, और हक ताला के हुक्म से जिब्रील आबेदान इबलीस का कालब से आदम के लेकर कुत्ता और गुल बाकी से आदम के दरख्त खुरबा पैदा किया। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने रिवायत किया है कि जाने पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंदील में अर्शे मौला पर तस्बीह पड़ती थी, कतरा अर्क मुस्तफ़ा का वहां से टपक कर इस जगह में गिर पड़ा जहां अब तुरबत मनवरा खातम अंबिया है, और हुक्म इलाही से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस खाक के पाक को मुश्क और अंबर से मिलाकर मोतर करके पेशानी पर आदम अलैहिस्सलाम की माल दिया।
तब आदम ने सलाम का नूर इसके मलने से दो चंदा जाहिर हुआ। बाद 40 दिन के हलकते रूहे आदम ने सलाम की हुई। इस वक्त रब्बुल जलील की तरफ से फरमान आया गया, जिब्रील, मिकाइल, इसराफील, इजराइल, जाने आदम की लाकर इसके कालब में पहुंचा दो। हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते जाने आदम की एक तबक नूर में रख कर और एक तबक पोश नूर से ढांक कर आदम ने सलाम के सर पर ला रखा। फिर वह तबक पोश जान से उनकी तरफ उठाया और तमाम मलाइक सातवें आसमान की तरफ देखने को आए कि जाने आदम की कालब में क्यों कर जाती है, कैसे जाती है, इसको देखें। और ये आवाज़ आई, तर्जमा, ऐ जाने आदम, इस कालब के अंदर जा। तब 7 मरतबा उनकी जान पाक ने अतराफ में से उनके कालब के गश्त किया, अंदर जा ना सकी और अर्ज की, या हारिक, मैं जिस्मानी नूर रखती हूँ, मेरा जिस्म नूरानी रखती हूँ और ये कालब अंधेरा कसीफ में मैं क्यों कर जाऊँ। फिर ये आवाज़ आई, ऐ जाने आदम, तर्जमा, ऐ जाने आदम, दाखिल हो तन में नफरत से और निकल आ तन से बानफरत। उसी वक्त जाने पाक आदम की नाक की राह से दाखिल होकर चारों तरफ धमाक की तरफ फेरने लगी। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें अपनी खोली, फौरन जान उनके दिमाग से हलक में आ रही और हलक से सीने में और सीने से नाफ तक पहुंची। जब वो गुले, गोश्त, पोस्त, हड्डी, रगो आंत हो गए, बाद में आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत से हाथ जमीन पर टेक कर उठने का कसद किया। इसमें फरिश्ते बोल उठे कि ये बंदा शताबकार होगा, अब तक आधा तन इसका गल है और वो चाहता है कि उठे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, पैदा किया गया इंसान उतावला यानी शताबकार, और आदम ने अपने सारे बदन पर नजर करके देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ से बनाया, और जाने आदम की जोड़ों और बंदों में मानिंद हवा के रगों में और गोश्त और पोस्त सारे बदन की पूर्ति थी। तब हक ताला ने फरिश्तों को भेजा कि दिमागी आदम का सहलावें और पेशानी उनकी मलें। ऐसा ही हुआ। तब जान उनकी गोश्त, पोस्त और रगों में करार पजीर और मुस्तहकम हुई। फिर फौर छींक आई, आदम अलैहिस्सलाम बिल अलहाम हुदायत अल्लाह के कलमा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पर लाए। जवाब इसका रब्बुल आलमीन से यरहमुकुमुल्लाह इरशाद हुआ। इसीलिए जवाब इसका मुसलमानों पर वाजिब हुआ। जो कोई छींके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो सामने पर वाजिब है कि यरहमुकुमुल्लाह कहे। और बाद इसके जनाबे बारी से जबरील को इरशाद हुआ कि वो छींक ले के इससे एक बंदा ईसा बिन मरियम पैदा करूँगा। और जब आदम हाक से उठे, हक ताला के हुक्म से एक तख्त पर वहशत में 40 मील का जेरो जोहर से और हल्ला ताज ज़ेहीन पहनकर जा बैठे। नूर उनके पेशानी का अर्श तक चमकता रहा। वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तब जनाब रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि तमाम मलाइका आदम को सजदा करें। वो सजदा तसीम का था, ना कि इबादत का, जैसे कि हक ताला ने फरमाया है। तर्जमा, जब हमने कहा फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सजदा किया सब ने, मगर इबलीस ने सजदा ना किया और तकबर किया और था मुनकरों में से। फरिश्तों ने जब सजदे सर उठाया, वहाँ इबलीस को खड़ा हुआ देखा और मालूम किया कि वह इबलीस है जिसने सजदा ना किया। फिर दूसरी दफ़ा फरिश्ते सब सजदे में आ गए। पास सजदा यवर हुक्म का था और सानी शुक्र का। तब रब्बुल आलमीन ने इबलीस को फरमाया, तर्जमा, ए इबलीस, तुझको क्यों कर इनकार हुआ सजदा करने से उस चीज़ के जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? ये तो गुरूर किया, या तू बड़ा था दर्जे में? इबलीस ने कहा, तर्जमा, वो बोला, मैं बेहतर हूँ इससे कि मुझको बनाया गया आग से और इसको बनाया मिट्टी से। और दूसरी बात यह कि मैंने सजदा किया है तुझको, फिर दूसरे को क्यों कर करूँ? तब अल्लाह ताला ने कहा, तर्जमा, तू निकल जा यहाँ से कि तू मर्दूद हुआ और तुझको मेरी फटकार है यानी लानत है क़यामत के दिन तक। और उलमा ने इसमें इख्तलाफ किया है। बाज़ों ने कहा है कि इससे मुराद ये है कि निकल जा ईमान से, और बाज़ों के नज़दीक निकल जाने से मुराद ये है कि फरिश्ते से निकल कर इबलीस के पास जा।
तर्जमा, तू निकल जा यहाँ से कि तू मर्दूद हुआ और तुझको मेरी फुटकार है यानी लानत है। क़यामत के दिन तक और उलमा ने इसमें इख्तलाफ किया है। बाज़ों ने कहा है कि इससे मुराद ये है कि निकल जाए ईमान से, और बाज़ों के नज़दीक निकल जाने से मुराद ये है कि फरिश्ते से निकल कर इबलीस की सूरत हो जा। तब गज़बे इलाही से इसकी सूरत बदल गई और आँखें इसकी सीने पर आ गईं। जो तरफ उसको देखते तो कहते ये खुदा की दरगाह से रांधा हो गया और मर्दूद और मलून और मजहूल हो हुआ। इस वक्त शैतान लाइन ने जबान अपनी खोली और कहा है, परवरदिगार तूने मुझे माजूल और मर्दूद किया आदम के लिए, ये शामत मेरी थी। तब हक ताला ने इरशाद फरमाया, इब्लीस तू अपने नौशते की तरफ देख, जब देखा तो ये लिखा था कि जो बंदा खुदा हुक्म खुदा का ना माने इसकी सजा लानत है। उस नौशते को पढ़कर वो बड़ा खज्जल और मायूस हुआ और कहा, तर्जमा, शैतान बोला, ए रब मुझको ढील दे जिस दिन तक मुर्दे जिंदा हों, और दूसरी गर्ज ये है कि गोश्त और पोश्त और रगों में आदमियों के मुझे दखल दे और उनके दीदों से मुझे महजूब रख यानी पोशीदा रख। तब हक ताला ने फरमाया, तर्जमा तुझको ढील है इस वक्त के दिन तक जो मालूम है, और जब मुराद इसकी हासिल हुई कमीन गाह में आदम की जा बैठा और ताक में रहा। फिर कहा शैतान ने को, तर्जमा, इब्लीस ने कहा, कसम है तेरी जात की, मैं गुमराह करूँगा उन सब को मगर जो बंदे हैं तेरे उनमें से चुने हुए। बस हक ताला ने फरमाया, तर्जमा, ठीक बात है और ठीक ही कहता हूँ मैं, मुझको भरना है दोजख तुझसे और उनसे जो सब तेरी राह पर चलेंगे। जनाबे बारी ताला के हुक्म से तख्त आदम का फरिश्तों ने जन्नत फरदौस में ला रखा और सब नेमतें हक ताला ने उनकी इनायत की थी। इसके साथ भी उनको करार तसली ना थी, क्योंकि आराम और तसली हर किसी को अपने हम जिन्स से होती है। उस आलमी तन्हाई में कोई हम जिन्स उनका ना था, और हालिक की मर्जी ही थी कि उनका जुफ्त और हमसर पैदा करे, क्योंकि बेजुफ्त और बेमिसल और बेमानिद और बेहाजत सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। जब वो बेकरार हुए तब हक ताला ने उनको ख्वाब में डाला और ऐसे सोए कि ना नींद आई ना बेदार हुए। इस सूरत में हालिक ने जिब्राइल से एक हड्डी बाएं पहलू से उनकी निकलवाई और उससे उनको दर्द व अलम ना पहुंचा था। अगर पहुंचता तो हरगिज़ मोहब्बत औरतों की दिल मर्दों के ना होती, दिल में ना होती। उस हड्डी से हवा को बनाया, खूबसूरत और नेक रूही और मुलाकात हुस्न और जमाल और जो कुछ खूबियाँ जहाँ की औरतों में थीं तमाम हक सुबहाना तआला ने उनको बख्शी। उनको भी अल्लाह ताला ने जन्नत के जेवर जेवर से आरास्ता किया और उनको पहनाए ताज और उनका सर और उनको तख्त पर बिठाया। इसके बाद आदम को नींद से बेदार करके हवा के साथ जलवा दिया। आदम ने सलाम ने हवा को इस तरह देखकर बेइख्तियार चाहा कि उन पर दस्त अंदाज हों। तब हजरत अलाही से आवाज़ आई है, आदम खबरदार इसे मत छू, बेनिकाह इसकी सोहबत हराम है। तब आदम ने इससे निकाह करने की हवासगारी की। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम का निकाह हवा के साथ कर दिया और फरमाया, सरा पर्दे और हजले जितने हैं लगावे जाएं, और तबक जरो मरावीद और जवाहरात निसार किए, और सातवें आसमान के फरिश्ते सब दरख्ते तूबा के नीचे आ हाजिर हुए। इसके बाद अल्लाह ताला ने वो पर्दे सब उठवाए और सना अपनी आप इनको सुना दी। तर्जमा, अल्लाह ताला ने निकाह में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की यह सना पढ़ी और कहा, हम्द मेरी सना है और बुजुर्गी मेरी चादर है, अजमत मेरी आज़र है और मखलूकात कुल मेरी गुलाम और लौंडियाँ हैं, और अम्बिया मेरे रसूल औलिया हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब हैं और रसूल हैं, और पैदा किया मैंने कुल शय को ताकि गवाही देवे मेरी वाहदानियत पर, और गवाह हैं मेरे फरिश्ते सब और आसमानों के रहने वाले सब अर्श के उठाने वाले। अल्लाह ताला ने उनका निकाह करवाया आदम और हवा को साथ अपने बदी फितरत और मुंबई कुदरत के, और आदम अलैहिस्सलाम का सद्दाक और हवा की मोहरें मेरी तस्बीह और तंजीह और तहलील और तकदीस है इनका महर।
नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ऐसा खुदा के वाहिद है, नहीं कोई इसका शरीक है। आदम, तुम और तुम्हारी औरत जन्नत में जा रहो और खाओ वहाँ के सब मेवे महजूज होकर, और ना जाओ उस दरख्त के पास कि फिर तुम बेइंसाफ होगे, और सलाम मेरा तुम पर हो, जियो और रहमत और बरकत। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने खुद ये सना की, तर्जमा, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ और हमद करता हूँ वास्ते अल्लाह के, और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ओ अल्लाह बहुत बड़ा है, और नहीं है तवानाई और कुदरत किसी को सिवाय अल्लाह के, ऐसा अल्लाह ताला जो बड़ा बुजुर्ग है। अल्लाह ने अल्लाह शाहानहू ने जब उत्बा हवानी से निकाह आदम की फरारत की, फरिश्ते सब खुशियां करने लगे और मुबारकबाद देने लगे और ज़रो जवाहिर निसार करने लगे। पास आदम अलैहिस्सलाम ने कस्ते मुबाशरत का किया हवा के साथ, वहीं आवाज़ आई, आदम खबरदार, जब तक के अदाए दीन महर हवा ना करोगे तब तक वो तुम पर हलाल ना होगी। आदम अलैहि सलाम ने कहा, इलाही मैं कहाँ से अदा करूँ? फरमाया कि 10 दफ़ा दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़कर। आदम, ये नामे बरगजीदा सुनते ही मुश्ताक दीदार के हुए, खुदावन का हुक्म हुआ कि तू नाहन दस्त पर अपने देख जा। आदम ने देखा, सूरत मुस्तफ़ा की मालूम हुई तो मेरे फर्जंदी और शफकत फितरी दिल में ज़्यादा हुई। तब आदम ने शौक से हजरत पर 10 बार दरूद पढ़ा और उनकी रसालत पर ईमान लाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, ये 10 दफ़ा दरूद तूने पढ़ा इतना मर्तबा रखता है कि इसकी बरकत से सब नेमतें और हवा को तुझ पर हलाल किया मैंने। बाद इसके अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, ऐ आदम, तू जन्नत में जा और तेरी जोरों भी और खाओ इससे महजूज होकर, जहाँ चाहो नज़दीक मत जाओ इस दरख्त के, फिर तुम बेइंसाफ होगे। मरवी है कि जड़ इस दरख्त की चांदी की और डालियाँ सोने की और पत्तियाँ जबरजद सब्ज की थी। आदम ने जब इस दरख्त की तरफ नज़र की, नहायत खुशवजा और खूबसूरत देखा कि सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत दरख्त है। हक ताला से इरशाद हुआ कि इसको मैंने तुझे बख्शा मगर इससे मेवा मत खा। तब वो बोले, इलाही, जब तूने मेरे तई बख्शा खाने से मुझे क्यों मना फरमाया? तब हुक्म इलाही हुआ कि आदम, तू मेहमान है मेरे घर का और वो दरख्त है, तेरा भेद है कि मेहमान मेरा हो कि खावे घर का बादा हो। एक तरफ से आवाज़ आई, ऐ आदम, गंदम मत खा, और एक जानब से आवाज़ आई, ऐ गंदम तू आदम के पास जाओ, और एक जानब से आवाज़ आई, ऐ आदम सब्र करो, और एक तरफ से आवाज़ आई, ऐ सब्र, तू आदम के पास मत जा, और एक सू से सदा आई, ऐ इबलीस, तू हवा को ललचा और ख्वाहिश दिला। पस कज़ा ने कहा कि इलाही, इसका क्या सबब है? हुक्म हुआ कि इसमें मुझको कुछ भेद है, इस बाग से बागे दुनिया में इन्हें भेजूँगा तो कुदरत मेरी जाहिर हो और मर्तबा ज़्यादा हो। और कहा गया, ऐ नमरूद, तू इब्राहिम को आग में डाल दे, और ऐ आतिश, तू मत जला, ऐ इबलीस, तो तू तलकीन कर। फिर कज़ा ने अर्ज़ की, हुक्म हुआ कि मुझे इसमें से कुछ सिर है, मगर आतिश को साथ रिहान के बदल करूँगा। ता हल्क में मेरा दोस्त पैदा हुआ और कहा गया, मोमिनो, तुम मायूसियत से बात रहो, मासीयत से बात रहो, और ऐ शैतान, तो इनको जलवा दे। और कहा, ऐ दुनिया, तो दिल में बंदों के शीरी रह, और ऐ बंदो, तुम दुनिया से दूर हो ताकि जफा को साथ वफा के बदल कर करूँ कि रहमत और मकसद मेरी ज़्यादा हो, इंसाफ के दिन। और कहते हैं कि वहशत में चार चीज़ें नहीं हैं, भूख प्यास बेकरारी धूप, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। तर्जमा, तुझको ये मिला है कि ना भूखा हो ना इसमें नंगा, और ये कि ना प्यासा हो इसमें ना धूप का सदमा पावे। ऐ आदम, होशियार हो शैतान के मकर व फरेब से कि वो तेरा दुश्मन साफ है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर कह दिया हमने, ऐ आदम, ये दुश्मन है तेरा और तेरे जोड़े का, सो निकलो, निकलवा ना दे तुमको बहशत से। आदम ने जब देखा कि बहशत के सब दरवाजे मस्तूद हैं, अमन हुए इससे कि
खेतान दुनिया में है, मैं हूँ वहशत में, और मुझसे इससे क्या दालक है जो मुझे वहशत के दरख्त का मेवा खिलाकर जिसके पास जाने से खुदा ने मुझे मना किया है गुनाहगार करेगा। मकर व फरेब से उसन के मैं बेपरवाह हूँ। ये कहा बस एक रोज़ इबलीस लाईन ने कसद किया आदम के पास वहशत में जाने का, और वो तीन इसमें आजम खुदा के जानता था। इन्हें पढ़कर सात तबक आसमान के तय करके वहशत के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहशत के दरवाजे मसदूद देखकर तसव्वुर ख्याल करता रहा कि किस हीले से वहशत के अंदर जाए। इत्तफाकन एक ताऊ से कंगरे पर बहुत पर वहशत के बैठा हुआ था। उसने देखा कि इसमें आदम पढ़ता है। ताऊ उसने पूछा, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया, मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्तों से खुदा तआला के ताऊस बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? शैतान ने कहा, यानी मैं वहशत को देखता हूँ और जानना चाहता हूँ। ताऊस ने कहा, मुझे हुक्म खुदा नहीं है कि किसी को जन्नत में ले जाऊँ जब तक कि आदम वहशत में है। शैतान बोला, तो मुझे वहशत में ले जा तो ऐसी एक दुआ तुझे सिखाऊंगा कि जो शख्स इस दुआ को पढ़े और अमल करे तो तीन चीज़ें उसको हासिल होंगी। एक तो कभी बूढ़ा ना होगा और ना मरेगा और जन्नत में हमेशा रहेगा। इबलीस ने इस दुआ को पढ़ा और पढ़कर किंगरे से वहशत के दरवाजे पर दोनों आए और ताऊस ने यह माजरा सांप को सुना दिया। वो इस बात को सुनते ही खौफ से दरवाजे वहशत के बंद करके अपने सर को बाहर निकाल कर उनसे पूछने लगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है जो यहाँ बैठा हुआ इसमें आदम पड़ता है? वो बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्तों से हक ताला के सांप ने कहा, वो दुआ मुझे सिखा। शैतान ने कहा, बशर्ते कि तू मुझे वहशत में ले जावे। सांप बोला, मुझे खुदा का हुक्म नहीं है कि किसी को वहशत में ले जाऊँ जब तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहशत में है। इबलीस ने कहा, मैं कदम अपना वहशत में ना रखूँगा, तेरे मुंह के अंदर रहूँगा, इससे बाहर ना निकलूँगा। तब सांप ने अपने मुंह को फैला दिया। इबलीस लाईन उसके मुंह के अंदर जा घुसा, तब उसको वहशत में ले गया और दरवाजे वहशत के बंद कर दिए। बाद में शैतान ने कहा कि तू मुझको इस दरख्त के पास ले जा के जिसके खाने से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमाया है। जब इबलीस को इस दरख्त के पास पहुँचाया तब वह मलून मकर फरेब से अपने सांप के मुँह के अंदर रोने लगा। जो शख्स के पहले निफाक से रोया वो शैतान लाइन था, और इसकी आवाज़ सुनकर वहशत की हुरें और गुरमा सब के सब मुजतमा हुए और कहने लगे, हम सब ने ये आवाज़ सांप के मुंह से कभी ना सुनी थी। और सांप से हवा पूछने लगे कि तू किस लिए रोता है? शैतान ने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको वहशत से निकालेगा क्योंकि तुमको इस दरख्त के मेवे खाने से मना किया है, मगर जो इस दरख्त के मेवे खाएगा वह वहशत में रहेगा, निकाला नहीं जाएगा। और कहा, तर्जमा, कहा शैतान ने आदम, मैं बताऊँ तुझको दरख्त के जिससे ज़िंदगी जावेद मिले और बादशाही पुरानी ना हो। और बोला, कसम खुदा की मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी बदी नहीं चाहता बल्कि नसीहत करता हूँ। चुनाचे हक ताला ने फरमाया, तर्जमा, और शैतान ने उनके पास कसम खाई कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर खींच लिया इनको फरेब से पहले जिसने झूठ कसम खाई, सो इबलीस लाइन था। बस हवा ने उसकी कसम खाने से यकीन किया कि ये सच कहता है। तब उससे फरेब खाकर दरख्त पर हाथ बढ़ाकर तीन दाने गंदम गए। एक तो आपने खाया, दो दाने आदम के लिए लाया। माज रजी तला अनहो ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जब हवा ने गंदम होशे से तोड़ दिए, होशे की जगह सुरख हुई और एक कतरा खून इसे टपका, तब हक तला ने अपनी कसम खाकर फरमाया, तुम्हारी बेटियों को क्यामत तक हर महीने एक मरतबा खून से आलूदा करूँगा और अपने दरख्त की दाद तुझसे और तेरी बेटियों से लूँगा। बस आदम अलैहिस्सलाम वहशत में जब तख्त पर जा बैठे, गंदम खुद बहुत नज़दीक उनके आ मौजूद हुआ। जब बुए शीनी उसकी हजरत को मालूम हुई तब हजरत ने तख्त से कहा कि तू यहाँ से मुझे दूर ले जा के रख कि इसके खाने से मुझे हक ताला ने मना फरमाया है। तब तख्त ने उनको 12,000 साल की राह में वहाँ से ले जाकर रखा। जब वो तख्त से नीचे उतरे तो वहाँ भी गंदम जा मौजूद हुआ। अगर जहाँ कहीं भी आदम जा बैठते वहाँ गंदम मौजूद होता। तो खबर यह है कि इसी तरह तख्त ने उनको 1,000 वर्ष की राह में ले जाकर रखा, फिर वहाँ भी गंदम जा पहुँचा। बाद वो गंदम कहने लगा, आदम जो खुदा ताला ने मुकद्दर किया है सो पहुँचेगा,
अगर तुम लाखों वर्ष की राह में जा रहोगे फिर वहां से कहां गुजरोगे। कलाम हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो दो दाने गंदम के ले गईं। वो बोले ये क्या चीज़ है? हवा ने कहा ये फल उस दरख्त का है जिसके खाने से हमें खुदा ताला ने मना फरमाया था, इससे मैंने एक दाना खाया और दो दाने मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आदम ने कहा इसमें क्या लज्जत है? वो बोली कि हलावत और शीरनी है। हजरत ने फरमाया मैं नहीं खाऊँगा कि अल्लाह ताला ने मुझसे अहद लिया है कि इसके दरख्त से मेवे ना खाना। अल्लाह ताला ने फरमाया है तर्जमा, और हमने ताकीद की थी आदम को कि इससे पहले फिर भूल गया और ना पाई हमने इसमें कुछ हिम्मत। हवा जब मायूस हुई आदम अलैहिस्सलाम को दाने के खाने से पहले एक प्याला शराब वहशत लाकर पिला दिया तो बेहोश होकर उनसे दो दाने गंदम लेकर खा गए और अहल चिकनी की। वो दाने नीचे हलक के नहीं उतरे थे कि ताज उनके सर से उड़ गया और तख्त से गिर पड़े, दोनों नंगे हुए, जैसा कि बारी ताला ने फरमाया है। तर्जमा, फिर जब चखे दरख्त से दोनों ने मेवे खुल गए, ऐब और लगे जोड़ने अपने ऊपर पत्ते बहशत के, जिस दरख्त के पास पत्ते के लिए जाते थे तो वो ना देता था, जब दरख्त अंजीर के पास दोनों गए तो उसने सर झुका दिया और कहा यानी तुम तो पत्ते मुझसे और सत्तर को अपने को ढाबो। आखिरकार इससे लेकर ढांका और दरख्त ऊद से भी लेकर सत्तर अपना छुपाया। बाद जनाबी वाली तारा से आवाज आई है अंजीर के दरख्त तो उन्हें उनके साथ सलूक किया, मैंने तुझे खराबी और हुस्गी दूर करके ये लज़त दी कि अगर सत्तर दफ़ा कोई तुझको जापे वो नई नई लज़त तुझसे उठावे चाबे। और दरख्त ऊद पर हता हुआ है ऊद सबके पास मैंने तुझे अजीज तर किया कि आग पर धर कर तुझसे खुशबू लेवें। बाद अब बशत के लोग आवाज़ देने लगे कि आदम और हवा दोनों खुदा की दरगाह में आसी हुए और दीवानों की तरह बहशत में भटकते फिरते हैं। अल्लाह की दरगाह से तीन बार उनकी पुकार हुई जवाब उसका कुछ ना दिया। तब जिब्रील उनके पास आए, बोले आदम तुझे तेरा रब बुलाता है। तब आदम ने कहा लब्बैक या रब, हम तुझसे शर्मिंदा हैं। तर्जमा, और पुकारा उनको उनके रब ने, मैंने मना ना किया था तुमको इस दरख्त से और कहा था कि तुमको शैतान तुम्हारा साफ दुश्मन है। तब आदम और हवा दोनों रोने लगे, कहने लगे जैसा कि हक ताला फरमाता है। तर्जमा, आदम और हवा ने कहा या रब हमारे हमने खराब की अपनी जान को, और अगर ना बख्शे तू हमको और हम पर रहम ना करे तो हम हो जाएंगे ना मुराद। और अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा कहा तुम उतरो, एक दूसरे के दुश्मन हुए और तुमको ज़मीन में ठहरना है और काम चलाना है वक़्त तक, और कहा इसी में जियोगे और इसी में मरोगे और इसी से निकाले जाओगे। ये मज़मून कलामुल्लाह का है। तब फरमान रब्बुल आलमीन का जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुआ कि आदम और हवा और सांप और शैतान और ताऊस इन सब को बहशत से निकाल कर दुनिया में डाल दे दो। आदम के पास गए और उनसे बयान किया, इस बात को सुनते ही घबरा गए और बहशत की जुदाई से जार जार रोने लगे। हर एक टुकड़ा लकड़ी का मसवाक के वास्ते वहाँ से लिया और वह लकड़ी पुश्त पुश्त उनके ख़ानदान में चली आई, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का असा बना। बस आदम अलैहिस्सलाम और हवा और मोर और सांप और शैतान मौजूद इन पांचों को बहशत से निकाल कर अव्वल आदम को सरंदीप में, जिसे आजकल श्रीलंका कहा जाता है, का एक जजीरा है डाला, और हवा को हरासान में और ताउस को सीतान में और सांप को इस्फहान में, शैतान को कोहे दामांद में डाला। इस वक्त सांप के चार हाथ पांव मिसले शुतर के थे। वैसे वाक़ होने इस माजरे के अल्लाह ताला ने इससे ले लिए ता वो पेट के बल चले और हाक छाने और खावे। और आदम को जब श्रीलंका में डाला वो अपने गुनाह से 40 बरस तक रोते रहे। दूसरी रवायत यह है कि 300 बरस रोते रहे, ऐसा कि अभी चश्म से उनकी नहरें जारी हुई और किनारों पर नहरों के दरख्त खरमा और
लौंग और जाए फल पैदा हुआ, हवा के आंसू से मेहंदी और वस्मा और सुरमा पैदा हुआ, और जो कतरात उनके आंसू के दरिया में गिरे थे मरावीद पैदा हुए, ताकि उनकी लड़कियों के देवरात बने। एक रोज जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ऐ आदम, कबल मौत अपने हज कर ले। और वो मौत की खबर सुनते ही डरे और उठ खड़े हुए। वो कसदे हज की का किया, जिस जगह पर कदम उनका जाकर जा गिरा वहाँ गांव और बस्ती हुई, जहाँ कहीं मंजिल की उनके कदम की बरकत से वहाँ शहर बसा। और बाज़े उलमा ने रवायत की है कि मक्का मुअज़्ज़मा तक आदम के 30 कदम हुए थे, और जब वो मक्के के नज़दीक पहुँचे सब रिश्ते वहाँ से हज़रत के पास आए और कहा, या आदम, 2000 बरस हुए कि हम इस घर का तवाफ़ करते हैं। इस वक्त इस काबे का नाम बैतुल मामूर था, और अंदर बाहर इसके ज़ाहिर था, और इसके ऊपर खेमा ज़बरजद का था, और तनाबें इसकी सोने की थीं, और जो मीहें इसकी थीं वो सतून हैं, और हरम शरीफ में दाहन है, और जो शिकार इसमें बना लेवे मारना उसका हराम है। और आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में जबरे रहमत पर आराम के वास्ते जब बैठे, हवा को देखा कि जद्दे की तरफ से आती हैं, उन्होंने उठकर उनको गोदी में उठा लिया और दोनों ज़ारदार रोने लगे। चुनाचे रोने से उनके आसमान के फरिश्ते भी रोए। बस दोनों ने आसमान की तरफ निगाह की और खुदाए ताला ने हिजाब को उनकी आंखों से उठा लिया। तब उन्होंने अर्श की तरफ नज़र की, जैसा कि हक ताला ने फरमाया है। तर्जमा, फिर सीख ली आदम ने अपने रब से कई बातें, फिर मतवज्जो हुआ उस पर, और बरहक वही है माफ़ करने वाला मेहरबान, और सागे अर्श पर ये कलमा लिखा था। तब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, यार रब, बरकत से उस नाम की जो तेरे नाम के साथ है, गुनाह हमारे बख्श दे और तौबा हमारी कबूल कर। फिलहाल जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा कि हक ताला ने तुझ पर सलाम भेजा है और फरमाया कि अगर तू बहशत में इसका नाम को शफी लाता तो हरगिज़ मैं तुझको दुनिया में ना भेजता। और ख़बर है कि मूसा मुनाजात में ये कहते थे। तर्जमा, एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम मुनाजात में ये कहते थे, या रब, बहशत में दीवार है या ना। हक ताला ने फरमाया, दीवार है। फिर कहा, जन्नत का दरबान है, फरमाया है। तब मूसा ने कहा कि इब्लीस लाइन क्यों कर बहशत में गया और आदम को फरेब दिया। फरमाया, ऐ मूसा, कज़ा व कदर से मेरी तू मत पूछ, के मेरी मर्जी यही थी। और बारी ताला ने फरमाया, तर्जमा, फिर खींच लिया उनको फरेब से पास आदम ने। जब हज से फरागत की हुक्म आया, ऐ जिब्रील, आदम को वादी नुमान में जो एक मैदान का नाम है ले जाकर अपने परों को उनकी पुश्त पर मल दे। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मला, तब ज़ुरियात बेशुमार उनकी पुश्त से निकली, ऐसा कि तमाम आलम उनकी औलाद से भर गया। बस आदम बोले, ये सब कौन है? जिब्रील ने फरमाया, ये सब तुम्हारे फर्जंद हैं। उन्होंने कहा कि इतनी महलूक की गुंजाइश ज़मीन पर क्यों करोगी, अगरचे जिसम हर एक का मोर्चे से बेहतर नहीं है। इस पर ज़मीन उन्होंने भर गई। तब आवाज़ आई, आदम, इसकी तदबीर मैंने आगे से कर रखी है। आदम ने कहा, या रब्बुल आलमीन, क्या तदबीर है? हक ताला ने फरमाया, बाज़ों को उनके अबाओं के असलाब में और बाज़ों को उम्मात के अरहाम में, किसी को रूए ज़मीन और किसी को ज़ेर ज़मीन रखूँगा। फिर आदम ने कहा, दावन, मेरे फर्जंदों के कितने फ़िरके हैं? फरमाया, कोई मोमन है, कोई काफर, और कोई तवांगर है, और कोई फ़कीर है, कोई खुशहाल है, कोई गमनाक है। फिर कहा, ये सब मसावी होते तो क्या खूब होता। हक ताला ने फरमाया कि ए आदम, मैं इससे खुश हूँ जो मेरा शुक्र करे, इसलिए खुशहाल को गमनाक और तवंगर को दरवेश और मती को आसीना किया ताकि शुक्र करें। बस अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ज़ुरियात आदम की खड़ी होवें सब बांधकर मशरक से मगरब तक। तब इसी वक्त खड़ी हो गई सब की सब, जो लोग के दाहिनी तरफ आदम के खड़े थे सब के सब मोमिन थे। इनके आगे सफ़े अव्वल में अंबिया, सब पीछे मुस्तफ़ा के खड़े थे, और जो लोग बाएं तरफ उनके खड़े थे वो सब काफर और सफ़े अव्वल में उनके जब्बार और मुतकब्बर थे। बाद अम्र इलाही हुआ, यानी आया नहीं हूँ मैं रब तुम्हारा, बोले सब सच है, तू है परवरदगार हमारा। बाद इसके हक ताला ने कहा, सजदा करो आदम, सजदा करो तुम सब अपने रब को। बस जो लोग के दाहिने हाथ आदम के खड़े थे वो सब के सब सजदे में गिर गए
और जो लोग बाईं तरफ थे इन सबों ने सजदा ना किया। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करो तुम अपने रब को। जो लोग बदतरफ रास्ते उन्होंने से किसी सजदा किसी ने किया और किसी ने ना किया। जो बदतरफ चुप थे उनमें से बाज ने किया और बाज ने ना किया। ये हकीकत देखकर आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी ताला में अर्ज़ की ऐ रब इसमें कुछ अजीबो गरीब मैंने देखा, इससे तू मुझे आगाह करके। जो लोग दाहिने तरफ मेरे खड़े पहले हुक्म में सब ने सजदा किया और सानी हुक्म में उनमें से बाज ने किया और बाज ने ना किया। और जो कौम के बाएं तरफ है अव्वल हुक्म सजदा ना किया सानी में बाज ने ना किया और बाज ने किया, इसमें क्या सिरे इलाही था। निदा आई है आदम जिस कौम ने कि अव्वल व आखिर सजदा किया वो मोमिन पैदा होंगे और मोमिन मरेंगे। जिन्होंने अव्वल व आखिर में सजदा ना किया सो काफर पैदा होंगे और काफर मरेंगे। और जिन्होंने अव्वल हुक्म में सजदा किया और सानी में ना किया वो मोमिन पैदा होंगे और काफर मरेंगे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जिसने सानी हुक्म में सजदा किया अव्वल में ना किया सो काफर पैदा होगा मोमिन मरेगा। तर्जुमा अल्लाह ताला फरमाता है आदम जो लोग तेरे दाहिने तरफ हैं वो सब बहिश्ती हैं, इससे मुझे कुछ परवाह नहीं। और जो के बाएं तरफ खड़े हैं सो दोजी हैं, मुझे कुछ भाग नहीं कि ए आदम ना इनकी इताअत से मुझे कुछ फ़ायदा है और ना इनकी मासीयत से कुछ ज़रर। बस एक फरिश्ते को हुक्म किया कि अहदनामा यानी अहद का जो हुक्म फरमाया इसके सवाए और दीन कबूल नहीं। उसने उन्हों से लिख कर अपने मुंह में रखा। अल्लाह ताला के हुक्म से वो फरिश्ता पत्थर हो गया। वही फरिश्ता खाना काबा के दाहिने रुकन में रखा गया। अब इसको हजरे असवद कहते हैं और हाजी सब इसको सब भोसा देते हैं। फिर रोज़े क़यामत में वही संगे फरिश्ता होगा जिस सूरत पर था और हर हर का अहदनामा खोला जाएगा। जो शख्स अपने अहदनामे पर कायम होगा इसको जन्नत मिलेगी और जो बरखिलाफ़ होगा वो दोज़ी होगा। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों के साथ रोज़े मिसाक में कहा तर्जमा और जब अल्लाह ताला ने करार नबियों से लिया कि जो कुछ मैंने तुमको दी है किताब और हिकमत फिर आवे तुम्हारे पास कोई रसूल के सच बतावे तुम्हारे पास आने वाले को तो इस पर ईमान लाओगे और इसकी मदद करोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने इकरार किया और शर्त पर मेरा जुम्मा लिया। सब बोले हमने इकरार किया। फरमाया तुम शाहिद रहो और मैं भी तुम्हारे साथ शाहिद हूँ। फिर जो कोई फिर जावे इसके बाद तो वही लोग हैं बेहुकम। और फरमाया तुम सब गवाह रहो रसालत पर एक दूसरे की, मैं भी गवाह हूँ तुम्हारे साथ। फिर फरमाया आदम तुम शीत पर गवाह रहो, ऐ शीत तुम अदरीस पर गवाह रहो, ऐ अदरीस तुम नूह पर और ऐ नूह तुम इब्राहिम पर, ऐ इब्राहिम तुम इस्माइल पर, ऐ इस्माइल तुम इसहाक पर गवाह रहो। इसी तरह ईसा तक। और फरमाया ऐ पैगम्बरों तुम सब रसालत पर पैगम्बर आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाह रहो और अपनी कौम को वसीयत कीजिए कि उनकी रसालत पर ईमान लावें और नुसरत देवें। अल्लाह ताला ने करार लिया नबियों का यानी नबियों के मुकदमे बनी इसराइल से करार लिया। यहूद मुसलमानों को कहते हैं कि तुम्हारा नबी हमको कहता है कि बंदगी करो अपने रब की, हम तो आगे ही से पहले से ही अल्लाह की बंदगी करते हैं इसकी, मगर वो चाहता है कि मेरी बंदगी करो सवाए अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला नबी करे वो लोगों को कुफर से निकाल कर मुसलमानी में लावे, फिर क्यों कर उनको ये बात सिखावे, मगर तुमको ये कहता है कि तुम में जो आगे दीनदारी थी जैसा कि किताब का पढ़ना और सिखाना वो नहीं है, अब मेरी सोहबत से फिर वही कमाल हासिल करो। ये था जी हमारा किस्सा शैतान और किस्सा आदम अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई गलती कोताही होगी तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाएंगे। आमीन।